हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं अभिलाष और आप देख रहे हैं TRF रिव्यू। नॉइस के हम और एक लेटेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं। इसकी मॉडल नंबर की बात करें तो इसका मॉडल नंबर एयरबड्स मिनी ब्लूटूथ। आज हम इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। मैं इसे लास्ट 7 दिन से दोस्तों यूज कर रहा हूँ। काफी अच्छा और काफी डिमांडेड प्रोडक्ट है, इसीलिए हमने परचेस किया था और मैं इसे लास्ट 7 दिन से यूज कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अनबॉक्सिंग और रिव्यू करता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप इसका बॉक्स देख रहे हैं, नॉइस का यहाँ पे ब्रांडिंग किया गया है, यहाँ पे एयरबड्स के फोटो दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है एयरबड्स मिनी। बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में सारी डिटेल्स दी गई है। 14.2 mm के ड्राइव दिए गए इसके अंदर, फुल टच कंट्रोल है इसके अंदर और 1 key set भी दिया गया है। अब उसे थोड़ी देर प्रेस करके रखेंगे तो वो रिसेट हो जाएगा। और बाकी मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस दिया गया है और बाकी सब डिटेल्स दी गई है, आप इसे पूछ करके रीड कर सकते हैं। चलिए इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो यहाँ बैक साइड की और एक दूसरी बात करें तो यहाँ पे लिखा गया है लिसन टू नॉइस विद इन, और यहाँ की बात करें तो डिजाइन इन इंडिया लिखा गया है। चलिए इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे एक अपना वारंटी कार्ड दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसे स्कैन करके अपना वारंटी ले सकते हैं। और एक पेपर दिया गया है इसके अंदर नॉइस का, और एक बुकलेट दिया गया है जो किस तरह से यूज करना है प्रोडक्ट, वो सारी डिटेल्स और सारे फीचर्स इसके अंदर बताता है। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं, और एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है इसके अंदर। केबल की बात करें तो केबल USB 2 Type-C है, मतलब काफी फास्ट और काफी अच्छा चार्जिंग मिलने वाला है हमें इस प्रोडक्ट के अंदर। केबल की लेंथ की बात करें तो केबल की लेंथ काफी शॉर्ट है, मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं केबल की लेंथ पर काफी फास्ट चार्जिंग होता है, जैसे कि मैंने बताया था इसे मैं लास्ट 7 दिन से यूज कर रहा हूँ और मैं इसी केबल से इसे चार्ज कर रहा हूँ, काफी फास्ट चार्जिंग हो जाता है ये। अब हम आते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। जैसे कि आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, फर्स्ट यहाँ पे नॉइस का ब्रांडिंग किया गया है, काफी छोटा और काफी स्मॉल है जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम कम्पैक्ट साइज दिया गया है। हाथ में डेफिनेटली काफी कंफर्टेबली आप इसको पकड़ सकते हैं। पीछे की बात करें तो बैक साइड में यहाँ पे नॉइस लिखा गया है, और बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे चार्जिंग केबल दिया गया है और एक रीसेट केबल जो मैंने आपको बताया था वो बटन यहाँ पे दिया गया है। इसे आपको थोड़ी देर प्रेस करके रखना है, ये आपका रीसेट हो जाएगा अगर आपको दूसरे फोन में और किसी में कनेक्ट करना है। और यहाँ पे एक चार्जिंग पॉइंट का केबल दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे LED होता है, यहाँ पे एक लाइट। चलिए इसे ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट हो रहे हैं दोनों ही, इसमें काफी स्मॉल काफी छोटा सा लाइट दिया गया है दोनों ही एयरबड्स में। क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी काफी अच्छा और काफी बेहतरीन क्वालिटी यूज किया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं, इसी से पता चल जाता है इसका क्वालिटी कैसा होगा। यहाँ पे भी नॉइस की डिटेल सारी दी गई है अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं। मुझे इसकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी है, साउंड क्वालिटी भी मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी इसकी। एयरबड्स की बात करें तो एयरबड्स में दोनों ही साइड दोस्तों नॉइस का ब्रांडिंग किया गया है, और मैं इसे लास्ट 7 दिन से यूज कर रहा हूँ। मुझे तो काफी कंफर्टेबली और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लिया है, इसीलिए मैं आपके लिए इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि आपको भी पता चले डेफिनेटली आपको ये परचेस करना चाहिए ये प्रोडक्ट। चलिए इसके मैं साउंड क्वालिटी की बात कर लेता हूँ, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कान में फिट कर लिया और काफी कंफर्टेबली और अच्छी तरह से फिट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था मैं इसे लास्ट 7 दिन से यूज कर रहा हूँ, तो काफी अच्छा प्रोडक्ट है। साउंड थोड़ा दोस्तों काफी ज्यादा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे 70-80% रखें, ताकि आपको अच्छी तरह से और क्लियरली सुनाई दे। अगर आप 100% करते हैं तो थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि कान में दर्द होता है, बिकॉज इसका जो 14 mm का ड्राइव दिया गया है उसकी वजह से साउंड क्वालिटी इसका काफी ज्यादा है। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 70-80% रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं कान में एकदम कंफर्टेबली फिट हो चुका है और काफी अच्छा और काफी स्मॉल दिया गया, तो ये काफी अच्छा लगता है। बाकी सब डिटेल की बात करें तो बाकी सब फीचर्स भी मैंने आपको इसके प्रोडक्ट रिगार्डिंग बता दिए, तो ये आपको डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा लाइट ब्लिंग हो रहा है, तो इसकी वजह से और भी काफी अच्छी तरह लगता है। अगर इसके अंदर
टिप्स दिए होते तो काफी अच्छा लगता है, जैसे कि आप अगर रनिंग करें ऐसा कुछ करें तो थोड़ा सा गिरने का डर रहता है, अगर इसके जगह एयर टिप्स होते तो काफी कंफर्टेबली और अच्छी तरह से फिट हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। दोस्तों तो चलिए मैं आपकी उसकी साउंड क्वालिटी सुना देता हूँ, वॉल्यूम भी इसका एकदम फुल है। मुझे साउंड क्वालिटी इसका काफी अच्छा और काफी बेहतरीन लगा है, जो भी इंस्ट्रूमेंट बजते हैं वो काफी अच्छी तरह से और क्लियरली सुनाई देते हैं हमें, पर मुझे सिर्फ इसका एक ही प्रॉब्लम लगा है, अब इसे 100% वॉल्यूम मत रखना, काफी इस थोड़ा ऐसा लगता है कान में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, अब इसे 70-80% यूज कीजिए, काफी डेफिनेटली और आपको अच्छा लगेगा ये प्रोडक्ट। चलिए मैं इसमें गेम खेल के भी दिखा देता हूँ ताकि वो भी आपको पता चले लेटेंसी मोड इसका कैसा है, क्योंकि पबजी अभी स्टार्ट हो चुका है तो पबजी हमें भी डाउनलोड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने गेम स्टार्ट कर दिए, आपको लेटेंसी मोड पता चल जाएगा। बिल्कुल भी आपको डिले लगेगा नहीं कि जैसे ही आप शूट करेंगे वैसे ही आपको एग्जैक्टली साउंड आ रहा है, तो बिल्कुल लेटेंसी मोड इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं दी गई। और बाकी सब फीचर्स भी मैंने आपको बता दिए, साउंड क्वालिटी की बात करते हैं, साउंड क्वालिटी काफी अच्छा और काफी बेहतरीन है। चलिए और एक बार ट्राई करके आपको बता देते हैं। परफेक्टली एग्जैक्टली आ रहा है तो आपको काफी बेनिफिट होने वाला है, अगर आप गेमिंग या ऐसा कुछ खेलते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी साउंड आपको परफेक्टली सुनाई देने वाला है। दोस्तों अगर इसके फीचर्स की बात करें तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, अगर आपको कॉल रिसीव करना है तो राइट साइड वाले या लेफ्ट हैंड वाले साइलेंस से आपको डबल टैप करना है तो कॉल रिसीव हो जाएगा, अगर आपको कट करना है तो वापस डबल टैप करना है तो ये वापस कट हो जाएगा, अगर आपको म्यूजिक स्टार्ट करते हैं और म्यूजिक प्ले और पुश करना है तो आपको ओनली फॉर सिंगल टैप करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्ले हो चुका है और वापस आप सिंगल टैप करेंगे तो ये पॉज हो जाएगा, अगर आपको वॉल्यूम इसका इंक्रीज करना है तो ओनली फॉर सिंगल सिंगल टैप आपको प्रेस करते रखना है राइट हैंड साइड वाले से तो प्लस हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड वाले से आप ओनली फॉर टैप करते रहेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट करना है तो 2 सेकंड के लिए आपको नेक्स्ट राइट हैंड साइड वाले से थोड़ी देर तक आपको प्रेस करके रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नेक्स्ट हो चुका है, और प्रीवियस करना है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले से 2 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना है तो ये प्रीवियस हो जाएगा। तो और अगर आपको गूगल असिस्टेंट या सीरी ऐसा कुछ यूज करना है तो आपको ट्रिपल बार टैप करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसका गूगल असिस्टेंट भी स्टार्ट हो चुका है, तो ये काफी अच्छी बात है, काफी अच्छे फीचर्स दिए गए, डेफिनेटली आपको इसे परचेस करना चाहिए, और जो भी सारे डिटेल्स थे जो भी फीचर्स थे सारे मैंने आपके साथ शेयर किए, आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों ये एयरबड्स मिनी रिगार्डिंग जो भी सारी डिटेल्स थी सारे फीचर्स थे मैंने सारे आपके साथ शेयर किए, ये डेफिनेटली आपको परचेस करना चाहिए प्रोडक्ट, मैंने सारे फीचर्स आपको इसके बता दिए, मैंने इसे 1300 रुपए में परचेस किया था फ्लिपकार्ट में, इसका प्राइस थोड़ा अप डाउन चल रहा है क्योंकि काफी डिमांडेड और काफी अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसे नॉइस की ऑफिशियली वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप चैनल को नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर देना ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसी अनबॉक्सिंग और रिव्यू करता रहूं। थैंक यू सो मच।